मुझे ये बताओ कि क्या तुम लोग रिवीजन के लिए बैठे हो या तुम लोग चाहते हो मतलब ये फ्रॉम स्क्रैच पढ़ रहे हो तुम लोग बिल्कुल। सर इस फास्ट ट्रैक का मकसद ये है कि तुम्हें थोड़ा सा एक रिकैप दे दें और हम चीज़ों को वापस एग्जाम के लिए तुम्हें तैयार कर लें जून के, ताकि तुम जून में पेपर दो और सेप्टेम्बर अटैम्प्ट के लिए रेडी रहो। चाहिए मैं सही हो गया। अच्छा सर बैड एंड डाउटफुल डेट क्या होता है? सर बैड एंड डाउटफुल डेट ये होता है कि मुझे रिस्क होता है कि जो मेरे कस्टमर्स हैं वो मुझे पैसे नहीं देंगे। सर याद रखना बैड एंड डाउटफुल डेट के टॉपिक का ताल्लुक या ये इवॉल्व होता है जब क्रेडिट सेल करते हो ना, उससे ये टॉपिक इवॉल्व होता है। सर यहाँ पे बैड एंड डाउटफुल डेट्स ये होता है कि सर मुझे एक रिस्क है कि मेरा क्रेडिट कस्टमर जिसने मुझे पैसे दिए हैं जो मेरी बुक्स में अकाउंट रिसीवल के नाम से एग्जिस्ट करता है वो मुझे पैसे ना दे। सही है जी। अच्छा अब जरा एक बात बताओ, इस टॉपिक में दो एरियाज हैं, नंबर वन इज बैड डेट्स एंड नंबर टू इज डाउटफुल डेट्स। बैड डेट्स ये होता है कि सर मुझे यकीन होता है कि पैसे शायद नहीं मिलने वाले। सही है। डाउटफुल डेट ये होता है कि मुझे शक होता है कि शायद मिले शायद ना मिले। सर यकीन मतलब एस्टिमेट है या एक्चुअल, किसी ने आके बताया? सर यकीन भी मैं बोल रहा हूँ है तो एस्टिमेट, लेकिन तकरीबन कंफर्म चांसेस होते हैं कि मुझे मुझे पैसे नहीं मिलते। तो बोला अब मैं तुम्हें बैड डेट्स की अकाउंटिंग अलग सिखाऊंगा, डाउटफुल डेट की अकाउंटिंग अलग सिखाऊंगा। सबसे पहले हम समझते हैं बैड डेट्स की अकाउंटिंग। पहले मैं तुम लोगों को कॉन्सेप्ट दूंगा कि सर व्हाट एक्चुअली दिस इज ऑल अबाउट, और फिर एग्जाम में आए तो उसको हैंडल किस तरीके से करना है। सही, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। बैड डेट्स क्या होता है? सर यकीन होता है कि मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। जरा मुझे ये बताओ कि चाहे बैड डेट हो चाहे डाउटफुल डेट हो, ताल्लुक किस चीज, कौन सी सेल से? क्रेडिट सेल से, कैश सेल से? सर क्रेडिट सेल से। जब मैं क्रेडिट सेल करता हूं बताओ एंट्री क्या करूंगा? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट, कोई मसला तो नहीं आता किसी को? अच्छा जब मैंने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट किया ना, तो इसके बाद दो बातें होंगी, कस्टमर मुझे पैसे शायद दे दे, या दूसरी बात यह है कस्टमर मुझे पैसे ना दे। अकाउंट सर जब मैंने माल बेच दिया उसको, अब इसके बाद क्या होगा? कस्टमर का फर्ज ना, दूसरी बात यह होती है कि कस्टमर डिड नॉट पे मनी। जब कस्टमर ने मुझे पैसे दे दिए तो सिंपल अकाउंटिंग बचपन में पढ़ी थी, कैश डेबिट और एआर क्रेडिट, यही पढ़ा था हमने। और जब कस्टमर पैसे ना दे तो फिर तुम अपने आप सवाल करो क्या चांसेस हैं, शक है या क्यों नहीं मिल रहा? तुमने बोला कि नहीं मिले एंड यकीन कर लिया कि अब नहीं मिलेंगे, इसका मतलब अब तुम्हें वो डेट राइट ऑफ करना है। कस्टमर डिड नॉट पे मनी एंड कंपनी डिसाइडेड टू राइट ऑफ दैट डेट। अब तुम्हें उस डेट को राइट ऑफ करना है। जब तुम्हें डेट राइट ऑफ करना है तो क्या करोगे? सर जब डेट राइट ऑफ होगा, इससे पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी बात और बताता हूं, तुम अपने जहन में एक बात लाओ, अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट डेट इज प्रूडेंस। क्या काशिफ ने पढ़ाया है? प्रूडेंस नहीं पढ़ाया अभी तक। अच्छा सर प्रूडेंस क्या होता है? देखो मुझे बताएगा ऑनलाइन, जल्दी से प्लीज साथ चलो, क्या प्रूडेंस क्या होता है मुझे बताएगा? सर प्रूडेंस अंकल तुम्हें ये कहते हैं कि जैसे ही तुम्हें कोई लॉस होता हुआ दिख जाए ना, क्या मुझे लॉस होने वाला है, बोला उसको उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेना। लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड। सून एज दे आर फोरसीन। एंड गेन्स शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। Unless realized. कोई मसला तो नहीं आता? बोला जब तक तुम लॉस दिख रहा है होता हुआ तुम लॉस रिकॉर्ड कर लो, और गेन्स को उस वक्त रिकॉर्ड ना करो जब तक रियलाइज ना हो जाए। सर प्रूडेंस ने एक और भी डेफिनेशन दी, वो क्या दी? डू नॉट ओवर स्टेट योर एसेट्स,
एंड अंडर स्टेट योर लाइबिलिटीज। बोला किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने एसेट्स को ओवर स्टेट नहीं करना और लाइबिलिटीज को अंडर स्टेट यानी कि कम नहीं करना, अपने एसेट्स को बढ़ा के प्रेजेंट नहीं करना और लाइबिलिटीज को कम करके प्रेजेंट नहीं करना। सही है। अब जरा यहाँ पे आओ, तुम्हें कस्टमर से पैसे मांगते हो? जी सर मांगते हो। क्या तुम्हारी बुक्स में एक रिसीवेबल एग्जिस्ट करता है? जी सर अकाउंट रिसीवेबल एग्जिस्ट करता है। क्लियर है ये बात? क्या आज के बाद, आज मैंने बोला पैसे नहीं मिले, क्या अब कभी मिलेंगे मुझे पैसे? ऑनलाइन का जवाब दो प्लीज, क्लास को में पार्टिसिपेट करोगे अदरवाइज फायदा कुछ भी नहीं है। क्या मुझे आज के बाद पैसे मिलेंगे? मुझे यकीन हो गया नहीं मिलेंगे। क्या मुझे नुकसान होने वाला है? क्या इस नुकसान को आज रिकॉर्ड करूं? क्या इस नुकसान को आज रिकॉर्ड करूं? जी सर मैं इस नुकसान को आज रिकॉर्ड कर लूंगा। तो सर क्या एक्सपेंस रिकॉर्ड करूं ऑटोमेटिकली लॉस बुक हो जाएगा मेरा? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर मैं एक्सपेंस रिकॉर्ड करता हूं क्या ऑटोमेटिकली लॉस बुक हो गया? जी सर हो गया। तो बोला अब मैं क्या करूं? प्रूडेंस ही कहता है कि तुम एक अदर एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो, जो तुम्हें लॉस होने वाला है उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो। तुमने किया एक्सपेंस को डेबिट, सही हो गया। सर क्रेडिट क्या करेंगे? सर प्रूडेंस की दूसरी डेफिनेशन क्या है? क्या पहली डेफिनेशन मीट हो गई? जी सर हो गई। लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड एज सून एज दे आर फोरसीन। सर इसका पॉइंट नंबर टू ये कहता है तुम्हें कि डू नॉट ओवर स्टेट योर एसेट्स एंड अंडर स्टेट योर लाइबिलिटी। सर क्या अभी तुम्हारी बुक्स में रिसीवल एग्जिस्ट कर रहा है? तुमने अपनी बुक्स में रिसीवल को रिकॉर्ड किया हुआ है? जी सर किया हुआ है। लेकिन क्या ये पैसे मिलेंगे मुझे अभी? सर नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या मुझे अपने रिसीवल को कम करना है, अपने एसेट्स को प्रॉपरली स्टेट करना है? क्या मेरे रिसीवल अभी ओवर स्टेट हुए हैं? जी सर हुए हैं। तो बोला अब क्या मुझे अपने रिसीवेबल को प्रॉपर वैल्यू पे लेके आना है? तो बोला तुम एंट्री करो ए आर क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। इसका मतलब जब भी तुम राइट ऑफ करोगे एंट्री क्या करोगे? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। कोई मसला तो नहीं है? जब भी तुम राइट ऑफ करोगे एंट्री क्या करोगे? सर बैड डेट एक्सपेंस डेबिट करोगे, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर लोगे। क्या यहां तक बात क्लियर है? सर इस एक्सपेंस का नाम क्या है? इस एक्सपेंस का नाम है बैड डेट एक्सपेंस। कोई मुश्किल दोस्तों? कोई मुश्किल ऑनलाइन वालों? सर जब तुमने राइट ऑफ कर दिया एंट्री क्या की? तुमने एंट्री की बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और ए आर क्रेडिट। डन। क्या यही एंट्री की है मैंने? क्या यही एंट्री की है? अब सर इसके बाद दो बातें होंगी। सर बताओ ये कंफर्म था? किसी ने मुझे आके बोला था पैसे नहीं मिलेंगे या मुझे लगता था पैसे नहीं मिलेंगे? यकीन था नहीं मिलेंगे, लेकिन क्या पैसे मिल भी तो सकते हैं ना? सर आज के दिन तुमने राइट ऑफ कर दिया, बाद में मुझे पैसे आके मिल गए, इसका मतलब बाद में दो बातें होंगी। सब्सिक्वेंटली बोला, सब्सिक्वेंटली या तो कस्टमर तुम्हें पैसे नहीं देगा या कस्टमर तुम्हें पे कर देगा। ऐसा ही है सर। अगर सब्सिक्वेंटली कस्टमर ने तुम्हें पैसे नहीं दिए ना, तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, डू नथिंग। यानी कि तुम्हें लगता था नहीं देगा पैसे, तुमने पहले ही उसकी अकाउंटिंग कर ली और बाद में भी नहीं दिए, तो अब फर्दर कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या है बात क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है पूरा? सर अगर कस्टमर ने पैसे दे दिए, इसका मतलब जो तुम्हें तुमने पहले एक अदर एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था गलत किया था। जब कस्टमर तुम्हें पैसे देगा तो बताओ कैश आएगा या जाएगा? आएगा। और कैश जब भी आता है डेबिट करता हूँ क्रेडिट करता हूँ? तो सर मैंने एंट्री की कैश डेबिट। और सर क्या मैंने एक अदर एक्सपेंस पहले गलत रिकॉर्ड किया हुआ था? क्या एक्सपेंस बोला अब तुम एंट्री करोगे कैश डेबिट बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। कोई मुश्किल तो नहीं है? कोई मुश्किल तो नहीं आता किसी को? सर बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट क्यों किया? अब मुझे बताओ सर, एक दफा बैड डेट एक्सपेंस यहां डेबिट हो रहा था, एक दफा बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट हो गया, क्या इंपैक्ट जीरो हो गया? बचा क्या? कैश डेबिट और ए आर क्रेडिट, यही बचा है। क्या अब ये वाला कस्टमर और ये वाला कस्टमर वही बंदे हैं जो सेम, दोनों सेम कस्टमर हो गए? दोनों से पैसे मांगता था, दोनों ने पैसे दे, दोनों की अकाउंटिंग भी सेम हो गई, ये कैश डेबिट ए आर क्रेडिट और कैश डेबिट और ए आर क्रेडिट। बात समझ आई दोस्तों? क्लियर है सर? अब दूसरी अकाउंटिंग में करने जा रहा हूं डाउटफुल डेट्स की। सर डाउटफुल डेट्स की अकाउंटिंग मुझे करनी है अभी, सही है? डाउटफुल डेट क्या होता है? बोला शक होता है कि शायद मुझे पैसे मिले,
शायद मुझे पैसे ना मिले। सही है, ऐसा ही है ना? कोई मसला तो नहीं है? कोई मसला आया था? अब सर, अब जब यकीन नहीं है तो मैं क्या करूं, शक करूंगा? अकाउंटिंग में शक को एक और नाम देते हैं, बोला तुम प्रोविजन बना लो या उसको एक और नाम दे दो, अलाउंस बना लो। सर इन चाहे प्रोविजन बनाओ चाहे अलाउंस बनाओ, बोला इसकी नेचर है कॉन्ट्रा एसेट की। क्या ये बात सबको पता है? क्या ये पता है? सर कॉन्ट्रा एसेट क्या होता है? बोला कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हारे एसेट को कम करे, दिस इज योर कॉन्ट्रा एसेट। अब सर मुझे एक बात बताओ, सर डाउटफुल डेट का के टॉपिक का ताल्लुक क्रेडिट सेल से कैश सेल से? ऑनलाइन वालों, डाउटफुल डेट का ताल्लुक क्रेडिट सेल से कैश सेल से? हेलो सर, क्रेडिट सेल से। जब मैं क्रेडिट सेल करूंगा एंट्री क्या करूंगा? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। सही है, कोई मसला तो नहीं है? अच्छा सर, इसके बाद फिर दो बातें होंगी, या तो कस्टमर मुझे पे कर देगा पैसे और कस्टमर डिड नॉट पे। अगर कस्टमर मुझे पैसे पे कर देता है तो क्या एंट्री करूंगा? कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, डन हो गया। कस्टमर ने पैसे नहीं दिए एंड कंपनी डिसाइडेड, पहले क्या डिसाइड किया था मैंने कि क्या करना है, मुझे पैसे नहीं मिले और मुझे यकीन है नहीं मिलेंगे तो मैंने राइट ऑफ किया था। एंड कंपनी डिसाइडेड टू मेक एन अलाउंस, बोला अब कंपनी को शक है इसलिए इसने बोला कि अलाउंस को बना लो। तो जब भी मैं अलाउंस को बनाऊंगा मैं एंट्री क्या करूंगा? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस क्रेडिट। क्या कोई मसला है इस एंट्री में? सर मैंने एंट्री कर ली, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस क्रेडिट, डन हो गया। अलाउंस एक्सपेंस नहीं है। अब सर यहाँ पे ये कहाँ जाएगा? सर बोला ये तो पीएनएल आइटम है, एक्सपेंस आउट है, ये पीएनएल में जाएगा। ये बोला ये बैलेंस, वहां पे मैं क्या क्रेडिट कर रहा था? राइट ऑफ में मैं क्या क्रेडिट कर रहा था? सर राइट ऑफ में मैं अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर रहा था, ऐसा ही था। लेकिन सर यहाँ पे मैं अलाउंस को क्यों क्रेडिट कर रहा हूँ? बोला वहां पे मुझे कंफर्म यकीन था कि मुझे पैसे नहीं मिलने, यहाँ पे मैं शक के जुमरे में रिसीवेबल क्रेडिट कर सकता हूँ। बोला शायद मिल जाएंगे यार, तो रिसीवेबल तो रहने दो, जब भी शक शक कंटिन्यू करेगा ना। तो बोला अब तुम शक को रिकॉर्ड करो, शोन इन एसओएफपी। सर कैसे? डिडक्टेड फ्रॉम एआर, एआर से डिडक्ट कर देना। क्या कोई मसला ऑनलाइन वाले आता? क्या कोई मसला? हेलो। अब सर मैंने शक कर लिया, अलाउंस कर लिया, अब मैं क्या करूं? सर मैंने किसी पे शक किया था, अब दो बातें होंगी, पहले मैंने शक किया मुझे पैसे नहीं मिलने वाले, खत्म हो गई कहानी। अब मैंने बोला कि सबसीक्वेंटली कंपनी डिसाइडेड टू राइट ऑफ डेट, बाद में मेरा शक यकीन में बदल गया। केस नंबर टू ये होगा, सब्सिक्वेंटली कस्टमर पेड मनी, डन। अब जरा मुझे एक बात बताओ, जब कस्टमर ने मैंने शक किया और कस्टमर ने यकीन, आज यकीन हो गया पैसे मुझे नहीं मिलने वाले, तो अब क्या रिसीवेबल मेरी बुक्स में आना चाहिए नहीं आना चाहिए? क्या अभी उस कस्टमर का रिसीवेबल मेरी बुक्स में आ रहा है नहीं आ रहा? क्या इस कस्टमर का रिसीवेबल मेरी बुक्स में आ रहा है या नहीं आ रहा? ऑनलाइन में जवाब दो, क्या कस्टमर का रिसीवेबल मेरी बुक्स में आ रहा है? सर आ रहा है, मैंने तो पहले अलाउंस किया था, एआर क्रेडिट नहीं किया था,
बोला अभी तो मेरी बुक्स में रिसीवेबल आ रहा है, क्या अब आना चाहिए? नहीं आना चाहिए तो क्या अब मैं एआर को क्रेडिट कर दूं प्रूडेंस को जहन में रखते हुए? कर दिया क्रेडिट, राइट ऑफ में या राइट ऑफ कुछ भी हो तुम्हारा एआर क्रेडिट होगा, राइट ऑफ कुछ भी हो तुम्हारा एआर क्रेडिट होगा। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? अब सर डेबिट क्या करूं, पहले जब मैंने राइट ऑफ किया था डेबिट क्या किया था मैंने? सर जब पहले मैंने राइट ऑफ किया था डायरेक्ट बैड डेट्स वाले केस में डेबिट मैंने क्या किया था? बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट किया था। क्या अब मैं बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट कर सकता हूँ? सर नहीं कर सकता। रीजन क्या है? क्योंकि भाई पहले मैं बैड डेट एक्सपेंस एक दफा डेबिट कर चुका हूँ ना, तो एक ही कस्टमर के लिए दो दफा बैड डेट एक्सपेंस क्यों डेबिट करूँ? बोला पहले तुमने शक किया था ना, क्या आज शक की गुंजाइश है? नहीं। तो शक क्या, शक को खत्म करके मुझे कंफर्म यकीन में आना है। शक जब तुमने रिकॉर्ड किया था किस तरह रिकॉर्ड किया था? क्रेडिट करके डेबिट करके। तो आज जब सही करोगे तो कैसे रिकॉर्ड करोगे, खत्म करोगे, क्या करोगे? तो बोला जब भी तुम राइट ऑफ अगेंस्ट प्रोविजन करो, यानी कि पहले प्रोविजन बनाया और फिर तुमने राइट ऑफ किया, तो अब तुम एंट्री करोगे अलाउंस डेबिट एआर क्रेडिट। क्लियर है ये बात दोस्तों? ऑनलाइन वालों क्लियर है? बोलो हाँ कि ना। सर केस नंबर टू, कस्टमर ने मुझे पैसे दे दिए, तो जब कस्टमर पैसे देता है तो कैश आता है या जाता है? तो कैश डेबिट करूंगा। ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, दिस हैज नथिंग टू डू विद योर एग्जाम, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है पीछे। बोला एग्जाम में क्या करना है वो समझाऊंगा मैं। सर कैश डेबिट कर दिया मैंने। सर कस्टमर ने पैसे क्यों दिए मुझे? क्योंकि मैं मांगता था उससे। इसका मतलब क्या, उसका मांगना मेरी बुक्स में रिसीवेबल रिसीवेबल एग्जिस्ट करता है नहीं करता? तो बोला जब पैसे आ गए तो क्या रिसीवेबल मुझे कम करना है? तो जब कस्टमर ने तुम्हें पैसे दे दिए तो एंट्री करोगे कैश डेबिट एआर क्रेडिट। डन, कोई मुश्किल, कोई परेशानी तो नहीं है? सर इसके बाद जो तुमने उस पे शक करके गुनाह किया था, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस क्रेडिट, क्या इस गुनाह को रिवर्स करोगे? रिवर्स तुमने गुनाह किया ना, आज तौबा करो इसकी, इंसान के बच्चे बनो। तो बोला जब तुमने गुनाह किया बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस क्रेडिट, आज उस बंदे ने तुम्हें पैसे दे दिए, क्या तुम्हें एंट्री को रिवर्स करना तुम्हारा फर्ज बन गया? तो बोला ये करो अलाउंस डेबिट बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। बात समझ आ रही है? क्या बात समझ आ रही है ऑनलाइन वालों? अच्छा, अब अलाउंस अगर बढ़ता है मेरा, अलाउंस तुम्हारा बढ़ भी सकता है कम भी होता है ना? सर अलाउंस बढ़ेगा तो यानी कि मेरा शक बढ़ रहा है, शक बढ़ेगा तो मुझे एक्सपेंस बढ़ाना है कम करना है? सर अलाउंस बढ़ेगा तो शक बढ़ेगा, शक बढ़ेगा तो एक्सपेंस बढ़ाना है कम करना है? तो जब एक्सपेंस बढ़ता है तो बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट करूंगा, और शक को बढ़ाना है, शक की नेचर क्या है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। तो शक बढ़ाने के लिए फर्दर क्रेडिट कर दूं, अलाउंस अलाउंस क्रेडिट, कोई मसला? अगर मेरा अलाउंस कम हो रहा है तो बताओ शक कम हो रहा है, और शक की नेचर क्या है, क्रेडिट या डेबिट? और तो शक शक जब कम करना है तो क्या करूं, डेबिट करूं क्रेडिट करूं? तो मैंने अलाउंस को किया डेबिट। और जब शक कम हुआ तो एक्सपेंस बढ़ाया कम हुआ? शक कम हुआ तो एक्सपेंस क्या हुआ, कम हुआ, तो क्या बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट कर दूं? मुश्किल, होने वालों को मुश्किल तो नहीं आता? अच्छा अब मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं सर, ये जो हमने एंट्री की थी ना बैड डेट एक्सपेंस डेबिट एआर क्रेडिट, ये है डायरेक्ट राइट ऑफ। ये पहले तुमने प्रोविजन नहीं किया, डायरेक्ट राइट ऑफ कर दिया, सही है? सर पे जब राइट ऑफ करोगे दो बातें होंगी, तो पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? पैसे नहीं मिले कुछ करने की जरूरत है? नहीं। लेकिन अगर पैसे मिल गए तो क्या तुम्हें एक और एंट्री करने की जरूरत है? वो तुम करोगे कैश डेबिट बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। और बोला इस ये जो एंट्री तुमने की है ना, इसको हम कहते हैं रिकवरी अगेंस्ट राइट ऑफ। सही है, कोई मसला?
सर ये जो तुमने राइट ऑफ किया है, क्या पहले शक किया था या डायरेक्ट राइट ऑफ किया है? शक शक के शक का रूट लेके गए तो बोला ये तुम्हारा कहलाएगा राइट ऑफ अगेंस्ट प्रोविजन। सही है। और क्या ये वाली जो एंट्री है इसमें तुम्हें पैसे मिले, रिकवरी हो रही है? सर पहली वो वाली रिकवरी का थी, रिकवरी अगेंस्ट राइट ऑफ, ये कौन सी रिकवरी है? ये है रिकवरी अगेंस्ट प्रोविजन। क्या तक बात कर रहे हैं? क्या तक बात कर रहे हैं? ऑनलाइन वालों जवाब दो। मैं जवाब दे दो ऑनलाइन वालों। अलाउंस के बारे में एक और बात सीखो जरा, फिर मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव लूंगा। सर अलाउंस साल के स्टार्ट में भी होगा, अलाउंस बैलेंस शीट आइटम है या इनकम स्टेटमेंट आइटम है? सर अलाउंस इनकम स्टेटमेंट आइटम है, बैलेंस शीट आइटम है। सर बैलेंस शीट आइटम है, इसका मतलब बैलेंस शीट आइटम है तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दोनों होगा। सर अगर ये बैलेंस शीट आइटम है तो क्या इसका ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दोनों होगा? लेकिन अगर इनकम स्टेटमेंट आई हो, क्या इनकम स्टेटमेंट आइटम के बैलेंसेस होते हैं? नहीं सर, वो साल के आखिर में क्लोज हो जाते हैं। जब इसका ये बैलेंस शीट आइटम है तो मैंने बोला ये एसओएफपी आइटम है, तो इसका बीडी भी होगा और सीडी भी होगा। सही है, यानी कि ओपनिंग भी होगा, बीडी इज ओपनिंग एंड सीडी इज क्लोजिंग। कोई मसला? अच्छा सर अलाउंस क्या होता है? सर अब जरा समझो, सर मुझे मेरे कस्टमर से 1 लाख रुपए लेने और मैंने बोला है पास प्रैक्टिस ये है कि 5% पैसे नहीं मिलेंगे, बताओ अलाउंस कितना होगा? सर अलाउंस किस कितना होगा जल्दी बताओ। सर मैंने बोला मेरे मेरे कस्टमर से 1 लाख रुपए लेने और पास प्रैक्टिस ये है कि मुझे 5% पैसे नहीं मिलते, अब मुझे बताओ अलाउंस कितने कितना हो गया? सर 5,000 रुपये हो गया। अब मैं अगर साल के आखिरी दिन ये बात कर रहा हूँ तो बोलो क्या मैं बोल दूँ ये क्लोजिंग अलाउंस है? अगर मैं साल के आखिरी दिन बात कर रहा हूँ तो क्या मैं बोल दूँ क्लोजिंग अलाउंस है? और अगर मैं साल के ये मैंने बोला 1 लाख रुपये जो रिसीवेबल है साल के पहले दिन का रिसीवेबल, तो क्या बोल दूँ मेरा ओपनिंग अलाउंस है? तो बोला अगर तुम्हें ओपनिंग अलाउंस कैलकुलेट करना है तो तुम क्या करोगे? ओपनिंग ए आर मल्टीप्लाइड बाई रेट। सही है। और अगर तुम्हें क्लोजिंग अलाउंस कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे? क्लोजिंग ए आर ए आर के टी अकाउंट का सीडी बैलेंस। ओपनिंग ए आर क्या होते हैं? ए आर के टी अकाउंट का बीडी बैलेंस। रेट सवाल में गिवन होगा तुम्हारे पास। कोई मुश्किल? हेलो ऑनलाइन वालों जवाब दे दो। अब अलाउंस के बारे में जरा एक और बात समझो, तुम से पहले सर अलाउंस है तुम्हारे 1 लाख रुपए और तुमने बोला 1 लाख पे तुमने 5% लगा दिया। सर क्या इसका मतलब सब पे तुम्हें 5% लगा? क्या डिफरेंट लोगों पे डिफरेंट शक नहीं हो सकता तुम्हें? क्या तुम्हें डिफरेंट लोगों पे डिफरेंट शक नहीं हो सकता? ऑनलाइन वालों हो सकता है नहीं हो सकता? मैंने बोला 1 लाख है उसमें से 20,000 मिस्टर एक्स से लेने उस पर मुझे 50% शक है और बाकी 80,000 दूसरे लोगों से लेने उस पर मुझे 5% शक है। इसका मतलब अगर मैं 1 लाख पे 5% लगाऊं तो गलत कर रहा हूँ, अगर मैं 1 लाख पे 50% लगाऊं तो भी गलत कर रहा हूँ। तो बोला अब तुम क्या करोगे? तुम 20,000 पे अलग रेट लगाओगे और बाकी 80,000 पे अलग रेट लगाओगे। तो अलाउंस का कॉन्सेप्ट तुम्हें यह कहता है कि चाहे तुम ओपनिंग अलाउंस कैलकुलेट करो या तुम क्लोजिंग अलाउंस कैलकुलेट करो अपने रिसीवेबल्स को, अलाउंस किस में निकलता है? एआर पे निकलता है। तो बोला अलाउंस के लिए तुम पहले एआर देखोगे, अलाउंस की बेसिस क्या है मेरा? एआर। एआर को रेट से मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो बोला अपने एआर को 2 एआर में बटो, यानी कि स्पेसिफिक एआर और जनरल एआर।
अपने ए आर को दो हिस्सों में बाइफर्केट कर दो, यानी कि स्पेसिफिक ए आर कितने हैं और जनरल ए आर कितने हैं। मैंने बोला 1 लाख है, स्पेसिफिक क्या होते हैं, जिसपे खास चक है वो खास कस्टमर हो गया, और जिसपे नॉर्मल चक है वो जनरल कस्टमर हो गया। एग्जाम्पल देता हूँ, तो मुझे बताना कि स्पेसिफिक कितनी अमाउंट वाला है। सर 1 लाख रुपए लेने थे, बी एक कस्टमर है मिस्टर एक्स, उससे मुझे 20,000 रुपये लेने और उस पर शक मुझे 50% है, सही है। दूसरा कस्टमर है मुझे खास कस्टमर कौन हुआ, 20,000 वाला, 80,000 वाले, जिसपे ज्यादा शक हो। यानी बोला जनरल रेट वाले जो कस्टमर है ना, जनरल रेट 5% है, बोला ओवर एंड अबव जनरल रेट जिसपे भी शक है वो स्पेसिफिक कस्टमर है तुम्हारा, याद रहेगा। बोला जो तुम्हारा जनरल रेट ऑफ परसेंटेज है उससे ओवर एंड अबव तुम्हें जिसपे भी शक है ना, वो तुम्हारा स्पेसिफिक कस्टमर है, सही है। तो बोला अब तुम स्पेसिफिक ए आर को मल्टीप्लाई करो स्पेसिफिक के रेट से, तो तुम्हारा क्या बनेगा, कोई मुश्किल? बोला अगर तुम जनरल ए आर को मल्टीप्लाई करो जनरल के रेट से तो तुम्हारा क्या बनेगा, डन। अब सर आगे बढ़ते हैं, जब जब दोनों को प्लस कर लूंगा तो क्या बोलते हैं, ये मेरा टोटल अलाउंस है, सर मेरा एक ₹5,000। लेकिन यार उसमें एक ऐसा कस्टमर है जिससे मुझे लेने हैं ₹20,000, और मैंने बोला 50% चांसेस है कि पैसे नहीं मिलने। अब मैं से 5% शक करूं या 50% करूं, 50%। बैलेंस बाकी कितने एआर बचे मेरे पास, इन पे मुझे 5% शक है, तो 8,000 × 5% 4,000, 20,000 × 50% 10,000। बोला ये तुम्हारे स्पेसिफिक ए आर है, ये तुम्हारे जनरल ए आर, और ये तुम्हारे टोटल ए आर क्लोजिंग ए आर, जब मतलब जिस देगा तुम अलाउंस कैलकुलेट करो, ये तुम्हारा स्पेसिफिक अलाउंस है, ये तुम्हारा जनरल अलाउंस है, और इन दोनों को जब तुम मिलाओगे 14,000 इज योर टोटल अलाउंस, सही हो गया। अब सर ये टोटल अलाउंस ओपनिंग है या क्लोजिंग है बता दो। सर जिस डेट का ए आर होगा ना, अगर ये साल के स्टार्ट का ए आर है तो ओपनिंग अलाउंस, साल के एंड का ए आर है तो क्लोजिंग अलाउंस, क्लियर है बात दादा? ऑनलाइन में जवाब दो। अब एग्जाम के पर्सपेक्टिव में आ जाए, एग्जामिनर क्या पूछ सकता है हमसे, सबसे पहले एग्जामिनर तुमसे पूछ सकता है बताओ बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर। बोला बताओ तुम्हें बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर तुम्हारा कितना होगा। तो क्या मेरे पास शॉर्टकट होना चाहिए ना कैलकुलेट करने के लिए, पूरा सवाल देख के। बोला तुम क्या करो, सवाल में तुम्हारे पास कुछ डाटा होगा राइट ऑफ का, बोला वो अमाउंट ले लो, राइट ऑफ करता हूँ तो मेरा एक्सपेंस बढ़ना चाहिए कम होना चाहिए। सर कोई रिकवरी भी तो होती है, यानी कि कैश डेबिट बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट किया, अलाउंस डेबिट किया बैड डेट, तो बताओ रिकवरी से मेरा एक्सपेंस कुछ शक किया था वो पैसे मिल गए, राइट ऑफ किया था पैसे मिल गए, बताओ एक्सपेंस बढ़ेगा कम होगा उससे, तो क्या माइनस कर दो, सही है। सर साल के स्टार्ट में मुझे शक था ₹100 का, आज के दिन मेरा शक बढ़ के हो गया ₹120 का, तो अब बताओ मेरा शक बढ़ा या कम हुआ, कितने से बढ़ा, टोटल अमाउंट बता रहा हूँ, ₹120 से बढ़ा, बताओ मुझे एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करना चाहिए, 100, 120 या 20। साल के स्टार्ट में मेरे पास अलाउंस का बैलेंस था ₹100 का, सही है,
आज के दिन मेरे पास अलाउंस का बैलेंस है 120 रुपए का होना चाहिए। अब बताओ मुझे एक्सपेंस 100 रिकॉर्ड करना है, 120 रिकॉर्ड करना है या 20 रिकॉर्ड करना है। जब साल के स्टार्ट में 100 मेरे पास अलाउंस का बैलेंस है, इसका मतलब पहले बेटर एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा ना। आज के दिन अलाउंस बढ़ा के कितना रिकॉर्ड करना है, 120 रुपए, इसका मतलब माई एक्सपेंस शुड बी 20 और 120 और 120, ऐसा ही है ना। तो बोला अब बताओ क्या इंक्रीज या डिक्रीज अलाउंस से तुम्हारा एक्सपेंस बढ़ेगा या कम होगा ना। तो बोला अब तुम क्या करो फर्दर रिकॉर्ड शॉर्टकट के लिए, तुम ऐड करो इसके अंदर क्लोजिंग अलाउंस, इसमें से लेस कर दो ओपनिंग अलाउंस। जब तुम क्लोजिंग और ओपनिंग का डिफरेंस ले लोगे तुम्हारा ऑटोमेटिकली इंक्रीज डिक्रीज आ जाएगा ना। बोला ये जो तुम्हारा आंसर आएगा ना या तो ये प्लस में होगा या माइनस में होगा। अगर तुम्हारा आंसर प्लस में आ रहा है ना तो तुम बोलोगे बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर है, और अगर माइनस में आ रहा है ना तो तुम बोलोगे बैड एंड डाउटफुल डेट की इनकम फॉर द ईयर है। मसला तो नहीं आता किसी को, ऑनलाइन वालों क्लियर है। अच्छा सर, चाहे एक्सपेंस हो या इनकम हो कहां जाएगी ये, क्या पीएनएल में शो करेंगे? चाहे एक्सपेंस हो या इनकम हो क्या पीएनएल में शो करेंगे? क्लियर ऑनलाइन वालों, चाहे एक्सपेंस हो या इनकम हो पीएनएल में शो करेंगे? अब सर एक्सपेंस हो तो पीएनएल में डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? अगर एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है तो पीएनएल को डेबिट करना है क्रेडिट करना है? एक्सपेंस कहां होता है, डेबिट या क्रेडिट? पीएनएल को सर डेबिट इन पीएनएल, सही है। और अगर इनकम होगी तो इनकम कैसे रिकॉर्ड होती है? क्रेडिट इन पीएनएल। डन सर, एग्जामिनर ये भी पूछता है कि चार्ज या रिकवरी, अगर एक्सपेंस है तो चार्ज है या रिकवरी है? इसका एक और नाम है चार्ज फॉर द ईयर और इसका एक और नाम है रिकवरी फॉर द ईयर। ये छाप लो सर, ये एग्जाम का पर्सपेक्टिव है, ये जल्दी से छापो। अभी सिर्फ रफ में छापने में मसला नहीं है, खाली तक अभी सवाल गया तो उनसे सॉल्व हो जाए बस। ये पीडीएफ भेज दूंगा तुम लोगों को। छाप लिया सबने? सर सेकंड चीज एग्जामिनर क्या पूछ सकता है हमसे?
एसओएफपी एक्सट्रैक्ट्स के बैलेंस शीट में क्या अमाउंट जानी चाहिए। बैलेंस शीट में ये चीज कैसे प्रेजेंट होती है? एआर लेस अलाउंस, ये तुम्हारे आएंगे नेट एआर। सही है? कोई मसला? कोई मसला? अब सर एआर किस डेट के लेने हैं, अलाउंस किस डेट का लेना है? बोला वो जिस डेट की तुम्हें बोले एसओएफपी एक्सट्रैक्ट पूछेगा ना, अगर वो बोलेगा साल के आखिरी दिन का एसओएफपी बना के बताओ, तो इसका मतलब तुम कौन से एआर लोगे? साल के आखिरी दिन के, यानी कि क्लोजिंग एआर लोगे। और अलाउंस कौन सी डेट का लोगे? सर साल के आखिरी दिन का अलाउंस लोगे, क्लोजिंग अलाउंस लोगे। कोई मसला तो नहीं है? कोई मसला तो नहीं है तक? सर ये कहां जाते हैं? शोन एज करंट एसेट इन एसओएफपी। डन? कोई परेशानी? क्या कोई परेशानी यहां तक? अब सर इसमें मुझे एआर कैलकुलेट करना सीखना है और अलाउंस कैलकुलेट करना सीखना है ना। अब जरा हम सीखते हैं एआर किस तरह कैलकुलेट होता है। सर एआर का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा? यहाँ लिख दिया मैंने ब्रॉट डाउन बैलेंस। सर साल के स्टार्ट में मैंने कस्टमर से 10,000 रुपये लेने थे, फिर मैंने 1 लाख रुपए की क्रेडिट सेल की, तो बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट होनी चाहिए। इसका मतलब क्रेडिट सेल्स यहाँ पे आएंगी। क्या क्रेडिट सेल्स यहाँ पे आएंगी? कोई मसला तो नहीं है? अच्छा सर तुम्हें तुम्हारे कर तुमने 1 लाख रुपए का माल बेचा, उसमें से 10,000 रुपए का माल उसने वापस कर दिया, बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए? सेल्स रिटर्न डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, तो बताओ क्रेडिट सेल्स रिटर्न तुम यहां रखोगे। सही है? सर जिसको तुमने माल बेचा उससे तुमने माल खरीदा भी है, तो इसका मतलब कोई आपस में कॉन्ट्रैक्ट एडजस्टमेंट भी होगी क्या? पढ़ा चुका है कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट, अकाउंट पेबल डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो बोला अगर कोई कॉन्ट्रा वाली अमाउंट होगी तो क्या वो यहां आएगी? कोई मसला तो नहीं है? अच्छा फिर तुमने किसी कस्टमर को डिस्काउंट दिया, लेट से तुमने बोला 5,000 रुपए का डिस्काउंट ले लो, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट, तो एंट्री क्या होती है? डिस्काउंट की नेचर क्या है? तो जब एक्सपेंस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो एक्सपेंस डेबिट करूं, क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल कर दूं। तो बोला तुमने एंट्री की, डिस्काउंट अलाउड, डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। सही है? इसके बाद तुमने कोई राइट ऑफ कर दिया, कुछ पैसे तुम्हें मिलने थे, तुमने बोला 5,000 रुपये नहीं मिलेंगे, एंट्री क्या होगी? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अगर डायरेक्ट राइट ऑफ है या अगर राइट ऑफ अगेंस्ट प्रोविजन है तो अलाउंस डेबिट। सही है? तो राइट ऑफ इन एनी केस यहां पे आएगा। डन? अच्छा सर कस्टमर ने तुम्हें कुछ पैसे दिए, क्या एंट्री करोगे? जो तुम्हें पैसे मिले कैश रिसीव यहां पे आ जाएगा, कैश डेबिट एआर क्रेडिट। अच्छा कस्टमर ने तुम्हें कुछ पैसे दिए और वो चेक डिसऑनर हो गया, इसका मतलब अब क्या हुआ? वापस रिसीवेबल मेरा बढ़ गया, क्या करोगे? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट बैंक क्रेडिट करोगे, तो जो डिसऑनर्ड चेक है वो यहां आएगा। सही हो गया? अब मुझे बताओ सीडी बैलेंस कहां पे आएगा इसका? आ गया तुम्हारा सीडी बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। बोला यही वो बैलेंस है जो तुम्हारे साल के आखिरी दिन एसओएफपी में जाएगा। समझ आती है बात? छापो।
छाप लिया होने दो सर। काउंटर में अलाउंस के अलावा क्या क्या आ सकता है एआर में? मैं तुम्हारा सवाल नहीं समझा अभी। अलाउंस तो एआर में आ ही नहीं रहा ना। कॉन्ट्रा क्या है? कॉन्ट्रा एसेट नहीं है। ये याद है अकाउंट्स पेबल अकाउंट रिसीवेबल वाली एडजस्टमेंट होती थी कि एक बंदा मेरा कस्टमर भी है मेरा सप्लायर भी है। यहाँ पे एकदम अकाउंट्स पेबल वाला कॉन्ट्रा सीन है ये। क्लियर है? क्या एआर हो गया? अब अलाउंस की बारी है ना। अगर मैं साल के आखिरी दिन पे काम करूँ तो अलाउंस कैलकुलेट करूंगा। तो अलाउंस कैलकुलेट किस तरह होता है आओ जरा सीखें। अलाउंस के लिए क्या है? मुझे ए आर चाहिए। अब अगर क्लोजिंग अलाउंस कैलकुलेट करूंगा तो कौन सा ए आर लूंगा? अगर क्लोजिंग अलाउंस कैलकुलेट करूंगा तो कौन सा ए आर लूंगा सर? क्या ये वाला लूंगा? सही है। बात समझ आती है? बोला क्लोजिंग क्या डायरेक्ट क्लोजिंग पे रेट लगता है या इसमें खास और आम को अलग अलग करते हैं? अलग अलग। तो बोला क्लोजिंग एआर में से जो खास जनता है उसको अलग कर दो, लेस कर दो स्पेसिफिक एआर। अब तुम्हारे पास क्या बचा? जनरल एआर बचा। जनरल एआर पे कौन सा रेट लगना चाहिए? मल्टीप्लाई करो जनरल के रेट से। मल्टीप्लाई किससे करोगे सर? जनरल के रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। तुम्हारे पास जो अलाउंस आया वो क्या कहलाएगा? कौन सा अलाउंस? फिर ऐड करूंगा इसमें स्पेसिफिक अलाउंस। जनरल अलाउंस में स्पेसिफिक ऐड करना पड़ता है मुझे। ये कैसे निकलता है? स्पेसिफिक एआर मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक का रेट। तो दोनों अलाउंस जब मिलेंगे तो क्या बोल दूं? टोटल अलाउंस हो गया मेरा। डन। कोई परेशानी? अब सर ये चीज क्या ऊपर एसओएफटी में जाएगी? यही जाएगी सर। ये कौन सा? जब मैंने क्लोजिंग सारी चीजें क्लोजिंग ली है, क्लोजिंग एआर क्लोजिंग स्पेसिफिक एआर, तो सब चीजें मेरा जो अलाउंस आएगा वो कौन सा आएगा? लेकिन अगर मुझे ओपनिंग अलाउंस कैलकुलेट करना, क्या करूंगा? ओपनिंग ए आर माइनस ओपनिंग स्पेसिफिक ऐसा कर लूंगा। तो जो ऊपर मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया था क्लोजिंग अलाउंस माइनस ओपनिंग अलाउंस, क्या ये बात भी कैलकुलेट करना सीख लिया हमने? कैलकुलेट करना सीख लिया। तो जल्दी अलाउंस की बुकिंग छापो। ऑनलाइन समझ आ रहे हैं?
सर फॉर कैलकुलेशन ऑफ अलाउंस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एआर से गुड डेट्स भी लेस होते हैं इफ गिवन. यस, अगर गुड डेट्स गिवन है कि जिस पे कोई शक नहीं है तुम्हें, वो माइनस हो जाएंगे. लेकिन आज तक ऐसा एक्सपेक्ट आया भी नहीं और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ कि आएगा. लेकिन अगर गुड डेट्स गिवन है तुम्हारे पास, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए तुम्हारा रिसीवेबल है और उसमें से बोला बोला 20,000 रुपए तो ऐसे हैं जो बिल्कुल पाक पाकिजा पवित्र है तुम्हारे अपने अपने घर वाले किसी बंदे से लेने, तो कोई घर वाला बंदा पैसे भागेगा नहीं. तो बोला उस पर तुम्हें शक नहीं करना, बाकी 80,000 रुपये शक करना तुम्हें, 80,000 रुपये डेट लगेगा. क्लियर है? अच्छा अब मुझे बताओ जरा, तुम लोग पहले कुछ सवाल करने हैं या स्टडी टेक्स्ट पढ़नी है पहले? हाँ, जनता का क्या ख्याल है, पहले सवाल करने या स्टडी टेक्स्ट पढ़नी है? तो मेरा मशवरा ये है कि पहले सवाल कर लो ताकि कुछ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो, फिर हम स्टडी टेक्स्ट पे चलेंगे और उसकी एग्जांपल्स कर लेंगे. सही? पहला सवाल करो और मुझे आंसर बताओ. पहले रिक्वायरमेंट पढ़ना, रिक्वायरमेंट उसी में से आएगी ना जो अभी हमने डिस्कस किया एग्जाम पर्सपेक्टिव से. तो बोला रिक्वायरमेंट उसी में से आएगी. बोला सवाल पढ़ो, मुझे बताओ रिक्वायरमेंट क्या पूछ रही है. क्या मुझसे एक्सपेंस की अमाउंट पूछ रहा है? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम की अमाउंट पूछ रहा है? क्या मुझसे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम की अमाउंट पूछ रहा है? जी सर पूछ रहा है. स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम में क्या जाता है? राइट ऑफ माइनस रिकवरी प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. जल्दी से करो आंसर. डन. द ओपनिंग अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट इज ₹1,000. ओपनिंग अलाउंस कितना है मेरे पास? लिख दिया मैंने माइनस में यहां पे. अच्छा, वेयर इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल अकाउंट इज ₹100,000. बोला क्लोजिंग एआर कितने मेरे पास? 1 लाख. व्हाट अमाउंट ऑफ अलाउंस, क्लोजिंग एआर 1 लाख रुपए है, रेट मेरे पास कितना गिवन है? तो क्या 1 लाख का 5% मेरे पास क्लोजिंग अलाउंस हो गया, 5,000 रुपये हो गई है, कोई तो मसला तो नहीं है. क्या राइट ऑफ के बारे में सवाल खामोश है? रिकवरी के बारे में सवाल खामोश है. आंसर क्या हुआ? जिसने 5,000 बोला है मेरे भाई, इन दोनों को नेट तो कर पहले. क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, एक्सपेंस पूछा है ना इसने, तो बोला एक्सपेंस क्या होता है? राइट ऑफ माइनस रिकवरी प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. ऑनलाइन वाले क्या हम सब साथ हैं?
सर क्वेश्चन नंबर टू करो। ओपनिंग अलाउंस एक्सपेंस है लेकिन पहले हो चुका होगा ना, अलाउंस मेरी बुक्स में आ रहा है यानी कि तुम्हारे बुक्स में एक बैलेंस पड़ा हुआ है, ये बना कैसे होगा? बेटेड एक्सपेंस डेबिट अलाउंस क्रेडिट, तो जब अलाउंस रिकॉर्ड किया होगा उस पर एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया होगा मैंने। क्वेश्चन नंबर टू करो, रिक्वायरमेंट पढ़ो और मुझे बताओ क्या पूछ रहे हैं। What amount receivable should be shown in the statement of financial position? बोला तुम्हें net AR पूछ रहे, यानी के AR less allowance पूछ रहे, क्या यही चीज पूछी है इसने? पांच पिछहत्तर वापिस कर। होने वालों क्या आंसर है? सर मुझे AR करने और अलाउंस की वर्किंग करनी है, सही है, लेकिन जब तक मैं AR का CD बैलेंस निकालूंगा क्या अलाउंस कैलकुलेट कर सकता हूं? सर नहीं कर सकता। अब एक कॉन्सेप्ट देना है तो समझना मुझे। सर BD बैलेंस का मतलब क्या होता है? एक होता है BD बैलेंस, एक होता है CD बैलेंस। BD का बैलेंस, BD बैलेंस का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन वाला जल्दी से जवाब दो। BD बैलेंस का मतलब क्या होता है? ओपनिंग, यही पढ़ा है तुम लोगों ने। और CD बैलेंस का मतलब क्या होता है? सर यही मिसकंसेप्शन दूर करने के लिए आपको ARTT बुलाया गया। सर BD इज नॉट ऑलवेज ऑलवेज मीन्स ओपनिंग बैलेंस एंड CD डज नॉट ऑलवेज मीन्स क्लोजिंग बैलेंस। सर BD का मतलब ओपनिंग भी होता है और अनएडजस्टेड भी होता है। अगर ओपनिंग है तो वो अनएडजस्टेड है या एडजस्टेड है? अगर ओपनिंग बैलेंस है तो बताओ अनएडजस्टेड है या एडजस्टेड है? अनएडजस्टेड। बोला BD बैलेंस का मतलब ये होता है कि अनएडजस्टेड बैलेंस, और CD बैलेंस का मतलब होता है एडजस्टेड बैलेंस, सही है। अब साल के स्टार्ट को भी BD बोल सकते हो, लेकिन अगर साल के आखिर का बैलेंस तुम्हें एडजस्ट करना है तो क्या वो BD बैलेंस बन जाएगा? जब साल के आखिरी दिन का बैलेंस मेरा पड़ा हुआ है, लेट से मैंने बोला 1 लाख रुपए रिसीवेबल है और उसमें 10,000 रुपए राइट ऑफ करने हैं। अब बताओ तुम्हारे पास रिसीवेबल, सही, नेट रिसीवेबल कितने हैं तुम्हारे पास? 90,000 रुपए। तो अब बोला जो 1 लाख रुपए है वो BD है या CD है? क्यों? लेकिन साल के आखिरी दिन का बैलेंस है। तो सर तो याद रखना, ये जरूरी नहीं है, फर्ज नहीं है कि अगर साल के पहले दिन का बैलेंस होगा तो ही BD होगा और साल के आखिरी दिन का CD ही होगा। बोला BD बैलेंस का मतलब ये होता है कि अनएडजस्टेड बैलेंस। BD इज द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि यहां से स्टार्ट करो और एडजस्टमेंट करते जाओ अपने। आप जरा सवाल पढ़ के मुझे बताओ कि ये जो 6 लाख रुपए गिवन है ये एडजस्टेड है या अनएडजस्टेड है? क्या पहले बात समझ गए हो कि BD एडजस्टेड क्यों होता है और BD अनएडजस्टेड क्यों होता है और CD एडजस्टेड क्यों होता है? अगले साल का बनता है ना, मैं करंट ईयर अभी बात कर रहा हूं, ये अगले साल BD बन जाएगा ना। ये मुझे बताओ कि BD एडजस्टेड और अनएडजस्टेड फर्क समझ गए हो? कि बोला अगर तुम्हारे पास ऐसा बैलेंस गिवन है सवाल में जिसको तुम्हें एडजस्ट करना है, तो अब वो बैलेंस BD कहलाएगा CD कहलाएगा? ऑनलाइन वालों वापस समझो सवाल। सर अगर सवाल में कोई ऐसा बैलेंस तुम्हें गिवन है
जिसमें कोई तुम्हें एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। तो बोला बताओ अब वो बैलेंस एडजस्टेड बैलेंस है या अनएडजस्टेड बैलेंस है? अनएडजस्टेड बैलेंस है। और अनएडजस्टेड बैलेंस मतलब बीडी या सीडी? बीडी कोई मसला तो नहीं है। और अगर सवाल में कोई ऐसा बैलेंस है जो कि बोले कोई एडजस्टमेंट की नीड नहीं है, अब वो बैलेंस एडजस्टेड या अनएडजस्टेड, तो अब सीडी बोलोगे या बीडी बोलोगे? अब सारा सवाल पढ़ते हैं। एट 31 दिसंबर 2018 यानी कि साल का बिल्कुल आखिरी दिन, सर क्या इससे मेरा बी डी सी डी बनता है या सवाल देख के पता चलता है बी डी सी डी है? कंपनीज रिसीवेबल्स टोटल ₹6 लाख। कंपनी का रिसीवेबल कितना था? 6 लाख रुपए था। एंड अलाउंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट वॉज ₹60,000। अलाउंस कितना है? सर क्या अलाउंस मेरा ताल्लुक अकाउंट रिसीवेबल में एडजस्टमेंट होती है या नहीं होती? क्या अलाउंस का AR से KT अकाउंट से ताल्लुक है? नहीं। क्या AR के TA अकाउंट में तुम्हें अलाउंस लिखवाया कहीं भी? बोला अलाउंस का टी अकाउंट अलग होता है, AR का टी अकाउंट, दो देर आर टू डिफरेंट टी अकाउंट, नंबर वन इज AR एंड नंबर टू इज अलाउंस। बोला ये अलाउंस के टी अकाउंट का बैलेंस है, ये AR के टी अकाउंट का बैलेंस हो गया। सही है। इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ डेट्स टोटलिंग 25,000। बोला अगर डेट राइट ऑफ हो रहा है तो उसका ताल्लुक अलाउंस के टी अकाउंट से है या बैड डेट्स के AR के टी अकाउंट से? सर अगर कोई डेट राइट ऑफ हो रहा है उसका ताल्लुक अलाउंस के टी अकाउंट से है या AR के टी अकाउंट से है? सर अगर कोई डेट राइट ऑफ हो रहा है उसका ताल्लुक अलाउंस के टी अकाउंट से या AR के टी अकाउंट से? ऑनलाइन जवाब दो। सर AR के टी अकाउंट से। अब अगला सवाल जरा तुम अपने आप से ये करो कि सर क्या ये राइट ऑफ हो चुका है या राइट ऑफ करना है? ऑनलाइन वालों राइट ऑफ हो चुका है, करना है? अब सर जब तुम बोल लो ये राइट ऑफ करना है, इसका मतलब इज दिस एडजस्टेड और अनएडजस्टेड बैलेंस? 6 लाख एडजस्टेड या अनएडजस्टेड? तो मैं बोल दूं ये 6 लाख इज अनएडजस्टेड बैलेंस, बीडी बोल दूं, कोई मुश्किल? और जब मैं राइट ऑफ करता हूं तो क्रेडिट साइड पे लिखता हूँ ₹25,000। सीडी कितना मेरा? मेरा ₹5,75,000। क्या यहाँ पे लिख दूं ₹5,75,000? डन, क्लियर हो गई है बात? यार ऑनलाइन वालों क्या बुर्दारों की तरह जवाब दे दो, जवाब दे दो भाई, संडे तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी, जवाब दे दो यार। डन हो गया। अब मुझे अलाउंस चाहिए। अलाउंस कैसे कैलकुलेट होता है? क्लोजिंग AR मल्टीप्लाइड बाय रेट। क्लोजिंग AR कितने मेरे पास? क्लोजिंग 5,575, और 5,75 पे रेट कितना? 10%, तो कितना? 57,500 हो गया। आंसर कितना आया? 517,500। क्लियर। एक बार रिपीट कर देता हूँ सर, क्या रिक्वायरमेंट समझो और फिर बिल्कुल स्पेसिफिक होकर सवाल सॉल्व करते हैं। सर इसने मुझे बोला है बैलेंस शीट में क्या अमाउंट जानी है, मैंने बोला बैलेंस शीट में जो अमाउंट जाती है AR में से अलाउंस माइनस कर दो, तो तुम्हारा नेट AR हो जाता है। ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। अच्छा सर क्या मेरे पास क्लोजिंग AR कैलकुलेट करने? जी सर करने। बोला सवाल में जो AR गिवन है, क्लोजिंग AR क्या AR के टी अकाउंट से कैलकुलेट होते हैं? शायन यहाँ तक साथ है क्या? क्लोजिंग AR, शायन कौन? क्या क्लोजिंग AR AR के टी अकाउंट से कैलकुलेट होते हैं? जी सर होते हैं। इसका मतलब मैंने बोला AR का टी अकाउंट बना लो, मैंने बना लिया AR का टी अकाउंट। अब सर मैंने कॉन्सेप्ट दिया BD और CD बैलेंस, अनएडजस्टेड और एडजस्टेड बैलेंस का कॉन्सेप्ट दिया है मैंने। सही है। अब सुनो सर, जो अनएडजस्टेड बैलेंस है वो क्या होता है? BD बैलेंस होगा। जो एडजस्टेड होगा वो क्या होगा? सर CD बैलेंस होगा। सर कैसे पता चलेगा सवाल में कि ये एडजस्टेड है अनएडजस्टेड है? सर सारा सवाल पढ़ लेते हैं कि ये जो ₹25,000 है राइट ऑफ हुए में करने हैं, इसका मतलब ये जो 6 लाख रुपए है एडजस्टेड है या अनएडजस्टेड है? तो बोला वुड दिस बी क्लासिफाइड एज BD और CD, तो मैंने यहाँ लिख दिया। फिर जो राइट ऑफ करने, मैंने बोला क्रेडिट साइड पे राइट ऑफ ₹25,000। अब एडजस्टेड बैलेंस कितना हो गया? 5,75, यहाँ लिख दिया मैंने। अलाउंस के बारे में क्या लिखा हुआ है? 10% है, तो मैं क्या करूंगा? क्लोजिंग AR मल्टीप्लाई 10% इज 57,500। नेट AR कितना हो गया? ₹5,17,500। क्लियर ऑनलाइन वालों? क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 करो, और पहले मुझे रिक्वायरमेंट बताओ क्या है रिक्वायरमेंट। ये क्या पूछ रहा है? क्या क्लोजिंग अलाउंस पूछ रहा है हमसे? बोल रहा है बताओ बैलेंस शीट में AR में से कोई अमाउंट माइनस होती है ना, वो कौन सी माइनस होती है? सर अलाउंस माइनस होता है। बोल रहा है बताओ कितनी अमाउंट तुम्हें माइनस करनी है अलाउंस के नाम पे, जल्दी से कैलकुलेट कर लो। क्या फॉर्मेट लिखवाया जाएगी मैंने? जल्दी करो।
ऑनलाइन वालों जवाब दो। ये टोटल पूछ रहा है बीबी। हाँ बस सही है, बेहतरीन। शायन वापस कर सर। अलाउंस कैसे निकलता है? एआर, एआर कितने है मेरे पास? 75,000। क्या टोटल एआर में से स्पेसिफिक एआर माइनस करता हूँ, स्पेसिफिक एआर कितना? तो क्या ये जनरल एआर हो गया? जनरल एआर पे क्या जनरल का रेट लगता है? क्या है जनरल का रेट? क्या है जनरल का रेट? 5%। तो 70,000 का 5% कितना हुआ? 3,500। फिर क्या करता हूं, ऐड स्पेसिफिक अलाउंस। स्पेसिफिक अलाउंस किसना कर रहा था? स्पेसिफिक एआर मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक का रेट। स्पेसिफिक एआर कितने? 5,000। स्पेसिफिक का रेट कितना? 25%। तो 5,000 इंटू 25% इज 1,250। 3,500 प्लस 1,250 इज 4,750। यहाँ क्या लिखा हुआ है? शक मुझे ना लिख। डाउटफुल डेट क्या होता है? जो पैसा मिले या ना मिले? ना मिले। इट इज एक्सपेक्टेड दैट ही कैन पे 75% ऑफ हिज टोटल डेट। बस 75% देगा। कितना नहीं देगा? 25%। तो शक कितना करना है? 75 या 25? शायान क्लियर है बाबू? आगे बढ़ूं? करो सवाल। क्या आंसर है? फोर। डन। फाइव करो। फाइव की रिक्वायरमेंट क्या है? पहले याद रखना, अकाउंटिंग पास करनी है तो पहले रिक्वायरमेंट पढ़ो फिर सवाल पढ़ो। हम बेवकूफी क्या करते हैं? पहले सवाल पढ़ लेते हैं फिर हम आते हैं रिक्वायरमेंट पे। जब रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं सवाल भूल चुके होते हैं। तो रिक्वायरमेंट पढ़ो, जहन में एक प्लॉट बनाओ कि यार इस तरह सवाल पढ़ना है। जैसे मैंने क्या बोला, यहाँ क्या करना है, क्या रिक्वायरमेंट है मेरे पास? बैड डेट का टॉपिक है। रिक्वायरमेंट क्या है? फाइंड आउट व्हाट नेट अमाउंट टू बी एक्सपेंस आउट इन द स्टेटमेंट ऑफ। क्या एक्सपेंस की अमाउंट पूछ रहा है? सर अभी थोड़ी देर पहले सीखी थी, राइट ऑफ माइनस रिकवरी प्लस क्लोजिंग अलाउंस माइनस ओपनिंग अलाउंस। क्या बन गया पूरा प्लॉट? अब सवाल पढ़ो, जो जो चीज तुम्हें मिलती है लिखते जाओ यहां पे। वरना हम करते क्या है, पहले सवाल पढ़ा फिर रिक्वायरमेंट पढ़ी सवाल भूल गए। अच्छा फिर रिक्वायरमेंट पढ़ी ये प्लॉट क्रिएट करना भूल गए, फिर सवाल पढ़ा फिर पता नहीं डाटा कहाँ था। तो बोला एक सवाल जो तुम्हारा 1 मिनट में हो जाना चाहिए तुम उसको सॉल्व करते करते 5 मिनट लगा देते हो। अकाउंटिंग का पेपर 1 सवा घंटे में तुम लोग का हो जाएगा अगर तुम इस टेक्निक पे चलोगे ना। कोई टेंशन नहीं है, बहुत आसान पेपर है। बाकी लोग आंसर बताओ प्लीज मुझे। बी
ऑनलाइन वालों, हाँ भाई जान, क्या आंसर है? कर ले भाई। एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड के एल एम कंपनी फाइंड्स आउट दैट इट्स टोटल रिसीवेबल्स आर 10,000, क्या इसका कोई कंसर्न है मुझे? ऑन स्क्रूटनी ऑफ अकाउंट्स इट टर्न आउट दैट अ बैड डेट अमाउंटिंग टू रुपीज 1,000 वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बैड डेट क्या होता है? राइट ऑफ वाली अमाउंट होती है। लिख लूँ क्या यहाँ पे मैं, 1,000 इज राइट ऑफ। फर्दर मोर हैविंग कंसिडर्ड द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स बाय ₹1,500। क्या जब मैं क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करता हूँ मेरा इंक्रीज या डिक्रीज ही आता है ना, तो तुम कितने से इंक्रीज कर रहे हो? 500 से। तो आंसर क्या हुआ तुम्हारा? समझ आई बात? 6 करो, रिक्वायरमेंट पढ़ो, प्लॉट बनाओ, फिर मुझे आंसर बताओ प्लीज। इतना ऑनलाइन वाला आंसर बताओ प्लीज। एट 1 जनवरी 2017 द अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स ऑफ सिद्रा वॉज ₹35,000, क्या ओपनिंग अलाउंस बोल दूं मैं इसको? ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 डेट्स टोटलिंग 15,000 वर रिटन ऑफ। लिख दूं 15,000 राइट ऑफ पे। इट वॉज डिसाइडेड दैट अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स शुड बी ₹30,000 एज एट दिसंबर 31, 2017। सर क्लोजिंग अलाउंस कितना है? आंसर क्या है तुम्हारे पास नेट? भाईजान जवाब तो देते भाई, हो गया करो। क्या आंसर है? ऑनलाइन वालों, अगर जवाब नहीं देना रिकॉर्डिंग ले लेना, अपना भी टाइम बचाओ मेरा भी बचाओ, सुकून की जिंदगी गुजारो, जवाब दिया करो वरना। क्या आंसर है? कोई मुश्किल? 8 करो। पहले रिक्वायरमेंट पढ़ो, क्या बोल रहे हैं?
व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस डिसीजन ऑन प्रॉफिट फॉर द ईयर, मतलब कोई तुम काम कर रहे हो उसका प्रॉफिट, तो यानी कि तुम्हें एक्सपेंस इनकम कैलकुलेट करोगे तो ही प्रॉफिट पे इंपैक्ट आएगा ना, तो क्या तुम्हें एक्सपेंस एक्सपेंस इनकम ही कैलकुलेट करनी है? जल्दी से करो जरा। सबसे पहले मुझे एक्सपेंस कैलकुलेट करके बता दो, एक्सपेंस या इनकम जो भी आ रही है कैलकुलेट करो। एट 1 जनवरी 2017 द बैलेंस इन अलाउंस फॉर रिसीवेबल शोड ₹16,000, क्या अलाउंस का ओपनिंग हो गया ये? एट द एंड ऑफ द ईयर इट इज डिसाइडेड टू राइट ऑफ ₹9,000, राइट ऑफ कितना है? एंड टू एडजस्ट द अलाउंस फॉर रिसीवेबल टू ₹18,000, क्लोजिंग अलाउंस कितना है? कितना आंसर? 11,000 एक्सपेंस या इनकम? एक्सपेंस हो गया, प्लस में आया था ना, एक्सपेंस होगा। अब बताओ जब एक्सपेंस रिकॉर्ड करता हूं तो प्रॉफिट बढ़ता है कम होता है? प्रॉफिट बढ़ेगा कम होगा सर? कम। तो आंसर क्या हुआ? मुश्किल करो, रिक्वायरमेंट क्या है? क्या इन पीएनएल की अमाउंट पूछ रहा है? जल्दी से कैलकुलेट करो। ऑनलाइन में समझ आ रहा है बेटा? सानिया क्रिएट्स अलाउंस फॉर डाउटफुल डाउटफुल डेट्स आफ्टर कंसिडरिंग द लेंथ ऑफ टाइम द डेट रिमेन्स आउटस्टैंडिंग। शी हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग डेटा एज एट 31 मार्च 2018। रिसीवेबल की अमाउंट है क्या ये मेरी? 1,30,075,000 और 50,000, क्या रिसीवेबल की अमाउंट है? कितने दिन पुराना डेटा है? अब बताओ जितना पुराना रिसीवेबल होता जाएगा क्या उतना शक बढ़ना चाहिए कम होना चाहिए? सर एक बंदा है उससे मेरा कल कॉन्टेक्ट हुआ है उस पर शक कम, एक बंदा जिससे 1 साल पहले कॉन्टेक्ट हुआ है क्या शक ज्यादा? तो जितना पुराना डेट होता जाएगा क्या शक की परसेंटेज बढ़ती जाएगी? अब देखो क्या जो 30 दिन पुराना डेट है क्या उस पर कोई शक है मुझे? नहीं। बोला जो 31 to 60 days पुराना है उस पर कितना शक है मुझे? 2% है। जो 60 दिन से ज्यादा पुराना है उस पर कितना शक है? 5% है। तो बताओ टोटल शक मेरा कितना हुआ? इस पर 0 हो गया। 75,000 का 2% कितना हुआ? और 50,000 का 5% कितना हुआ? टोटल कितना हो गया ये? क्या मैं बोल दूं मेरा क्लोजिंग अलाउंस साल का आखिरी दिन है तो क्लोजिंग अलाउंस बोल दूं मैं इसको? क्लोजिंग अलाउंस इज ₹4,000। ओपनिंग बैलेंस फॉर अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट वॉज 3,500, माइनस कर दो। क्या राइट ऑफ 0 है, रिकवरी 0 है, तो आंसर क्या हुआ?
कोई ऐसा जिससे नहीं हुआ? करो। क्या आंसर है इसका? तो मुश्किल 11 करो। क्या आंसर है 11 का? क्या बता दिया जवाब प्लीज यार, थोड़ा पैसे से ले ले। नहीं बताएगा। 12 करो। रिक्वायरमेंट पढ़ो फिर मैं जवाब दो क्या पूछ रहे हैं। नहीं। व्हाट अकाउंटिंग एंट्री इज टू बी पार्ट पास टू रिकॉर्ड द इंक्रीज या डिक्रीज इन अलाउंस? अलाउंस है तो बढ़ेगा या कम होगा? अभी एंट्री सीख के आए थे, अलाउंस बढ़ता है तो क्या एंट्री होती है? अलाउंस जब बढ़ता है तो क्या एंट्री होती है? याद नहीं करनी, कॉन्सेप्चुअल समझना है। अलाउंस की नेचर क्या है? कॉन्ट्रा एसेट। कॉन्ट्रा एसेट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? क्या होता है कॉन्ट्रा एसेट का बैलेंस? क्या होता है कॉन्ट्रा एसेट का बैलेंस? क्या होता है? सबसे एंड में समाट मारूंगा सर। कॉन्ट्रा एसेट का बैलेंस होता है क्रेडिट। अब जब शक बढ़ रहा है तो अलाउंस बढ़ेगा, अलाउंस बढ़ेगा तो क्रेडिट करूंगा डेबिट करूंगा? क्रेडिट। और शक के बढ़ने से खर्चा बढ़ता है कम होता है? खर्चा बढ़ेगा। एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस क्रेडिट। अगर शक कम तो क्या इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी? अलाउंस डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट। लेकिन क्या सबसे पहले मुझे इंक्रीज या डिक्रीज तो कैलकुलेट करना है ना? जल्दी करो। शाबाश।
ऑनलाइन वालों, हो गया सवाल? क्या आंसर है 12 का? क्या आंसर है 12 का? ठीक बता रहा हूँ ऑनलाइन वालों के जवाब दो करवा। सर इंक्रीज या डिक्रीज कैसे निकलता है? क्लोजिंग अलाउंस माइनस ओपनिंग अलाउंस निकलता है? जी सर निकलता है। ओपनिंग अलाउंस कितना है मेरे पास सवाल में, कोई गिवन है? सर नहीं गिवन। लेकिन क्या ओपनिंग एआर को जब मैं रेट से मल्टीप्लाई करूंगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ओपनिंग एआर कितने थे मेरे पास? 45,000 मल्टीप्लाइड बाय कितने परसेंटेज? 2%। क्या आंसर आया? 45,000 मल्टीप्लाई 2% कितना है बता दो, अल्लाह के बंदो कैलकुलेटर का कर लो। 900। क्लोजिंग ए आर मुझे निकालना है? जी सर क्लोजिंग ए आर जब मुझे निकालना है तो क्या मुझे ए आर का टी अकाउंट बनाना पड़ेगा? बताओ बी डी 45,000 यहाँ पे आ जाएगा। क्रेडिट सेल कहाँ पे आएगी? डेबिट का क्रेडिट। कैश सेल कहाँ आएगी? कैश सेल कहाँ आएगी? नहीं आएंगी। सर कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स क्या यहाँ पे आएगा 35,000? बैड डेट्स रिटन ऑफ कहाँ आएगा? 2,000 यहाँ पे आएगा। सर डिस्काउंट रिसीव कहाँ आएगा? डिस्काउंट रिसीव का ताल्लुक अकाउंट्स पेबल से होता है, रिसीवेबल से होता है? बोला अकाउंट रिसीवेबल से ताल्लुक होता है वो डिस्काउंट अलाउड होता है, अकाउंट्स पेबल से ताल्लुक होता है वो डिस्काउंट रिसीव होता है। सीडी कितना हुआ? कितना? 63,000 या 6,300? 63,000। अब मैं जब 63,000 को 2% से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आंसर आएगा? 1,260। बताओ इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? एंट्री क्या होनी चाहिए? बैड डेट्स डेबिट अलाउंस क्रेडिट बाय 360। डन। ऑनलाइन वालों जवाब दे दो, सवाल करो। क्या आंसर है? ऑनलाइन वाला जवाब दो। सर बताओ ओपनिंग अलाउंस पूछ रहा है क्या? ओपनिंग अलाउंस पूछ रहा है?
मुझे एक बात ये पता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज इक्वल टू इंक्रीज या डिक्रीज, ऐसा ही होता है क्या? तुम तो मुझे क्लोजिंग अलाउंस कैलकुलेट कर बता दो, क्लोजिंग अलाउंस कितना आ रहा है? क्लोजिंग अलाउंस कितना आ रहा है? सर क्लोजिंग अलाउंस के लिए क्या मुझे क्लोजिंग एआर चाहिए? क्लोजिंग एआर एआर के टी अकाउंट से आते हैं। बताओ ये 93,000 एडजस्टेड बैलेंस है या अनएडजस्टेड बैलेंस है? अनएडजस्टेड मतलब बीडी होगा कि सीडी होगा? 1,800 राइट ऑफ करूंगा तो बताओ सीडी कितना आएगा? 91,200। 91,200 को जब मैं 5% से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 4,560 आएगा। आ गया सर, क्लोजिंग कितना है मेरे पास? 4,560। यही बोल रहा है क्या? यही बोल रहा है, हाँ या नहीं? अब सुनो एक बात, आगे क्या लिखा हुआ है? द बिजनेस मेंटेन्स अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑफ रिसीवेबल्स एंड दिस ईयर अलाउंस हैज इंक्रीज बाय 20% एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। इंक्रीज कितने परसेंट हुआ है? 20% ऑफ व्हाट? ओपनिंग या क्लोजिंग? 20% ऑफ व्हाट? पढ़ो ना जुमला गौर से। ओपनिंग, इसका मतलब ओपनिंग 100% होगा और ये कितने परसेंट होगा? 120% हो गया। तो अब जो तुम्हारे पास फिगर अवेलेबल है 4,560, वो कितने परसेंट के बराबर है? 120% के बराबर है। जो तुम्हें फिगर चाहिए वो कितने परसेंट वाली है? 100 वाली है। मैं क्या करूंगा? 4,560 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 3,800। बात समझ आई? बात समझ आई भाई साहब? भाई जान, बात समझ आई? तो बैंगन ने तुझे देख रहा, सवाल करो, गलत करोगे तो बाहर जाओगे। और स्पीड में करेंगे प्लीज। आंसर व्हाट शुड बी चार्ज इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पीएनएल?
इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। वैसे पिटेगा, वापस कर। एट 30th सितंबर 2012 कंपनीज अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स अमाउंटेड टू ₹38,000 विच वॉज 5% ऑफ द रिसीवेबल्स एट दैट डेट। ये क्या चीज है ये अलाउंस? ओपनिंग या क्लोजिंग? ओपनिंग या क्लोजिंग? एट 30th सितंबर 2013 रिसीवेबल्स टोटल 868,500। इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 28,500। क्या राइट ऑफ 28,500 लिख दूं मैं यहाँ पे? रिकवरी कुछ है? नहीं है। अब क्लोजिंग अलाउंस निकालने के लिए क्या मुझे क्लोजिंग एआर चाहिए? क्लोजिंग एआर कहाँ से आते हैं? एआर के टी अकाउंट से आते हैं। बताओ ये 868,500 एडजस्टेड या अनएडजस्टेड? तो यहाँ पे लिख दूंगा 868,500। राइट ऑफ कितना करना है मुझे? 28,500 यहाँ लिख दिए। एडजस्टेड कितना हो गया? 8,40,000 हो गया। इसका कितना परसेंट है प्रोविजन? तो 8,40,000 का 5% क्या आंसर आया? कहाँ गलती कर रहा था? भाईजान कहाँ गलती कर थे? अच्छा हाँ बीबी, हाँ मेरी बहन, इस पे वो लंबा तरीका है। 15 करो। आंसर है क्या? वापस कर।
अलाउंस फॉर रिसीवेबल इन द अकाउंट्स एट 31 अक्टूबर 2011 वॉज ₹9,000। सर ये कौन सा अलाउंस है, ओपनिंग या क्लोजिंग? अच्छा ये 11 नहीं है, इसको 12 रीड करना, सही है, टाइपिंग आ रहा है। ये ओपनिंग है क्लोजिंग है? ये ओपनिंग। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 अक्टूबर 2012 बैड डेट्स ऑफ ₹5,000 वर रिटन ऑफ, लिख दूं यहाँ पे राइट ऑफ। द रिसीवेबल बैलेंस एट 31 अक्टूबर 2012 वॉज ₹120,000 एंड बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस द कंपनी विशेज टू सेट द अलाउंस एट 5% ऑफ रिसीवेबल। अब मुझे बताओ ये 1/20 एडजस्टेड है अनएडजस्टेड है? एडजस्टेड है, डायरेक्ट इस पे 5% लगा दो, कितना आएगा? 1,20,000 का 5% 6,000। परेशानी करो, क्या कुछ बेहतरी हो रही है? सर रिक्वायरमेंट क्या है, एक्सपेंस या इनकम फॉर द ईयर है? राइट ऑफ कितना है मेरे पास? 3,000। ओपनिंग अलाउंस कितना था सर? 5,000। बैड डेट्स रिकवर्ड कितने हैं सर? 1,500। क्लोजिंग रिसीवेबल्स कितने हैं? अब मुझे क्लोजिंग अलाउंस चाहिए, 90,000 का 5% इसमें क्लोजिंग अलाउंस कितना हुआ? क्या आंसर है? कोई मुश्किल? सवाल करो। क्या ये बैलेंस शीट का पूछ रहा है? बैलेंस शीट में क्या होता है? AR लेस अलाउंस, ऐसा ही होता है। जल्दी से कर लो शाबाश। इसका फोन आ रहा है।
आंसर बताओ। 10,600 गलत है, वापस करो। कैसा सवाल क्या? कितनी मतलब टू सेवन समथिंग, 2744। आ भी सकती है, पता नहीं, ये रब जाने कौन कैसी किस्मत लेके पैदा हुआ, मुझे नहीं पता। नहीं तो हर किसी का अलग पेपर है ना, उस पे आप पॉपुलरिटी कह सकते किसका क्या था। हाँ हाँ किसी में नहीं है, किसी में सारे फिल्म था लेफ्ट में, क्या करेंगे, डिपेंड करते हैं ना कौन कैसी किस्मत लेके पैदा हुआ है ना। सर इसका आंसर 274,400, कोई ऐसा जिसका नहीं आया। अल्लाह जवाब दे दो भक्त, कोई ऐसा जिसका नहीं आया, करवा दूं ये सवाल। नहीं आया तो बोलना मेरे भाई, शर्मा क्यों रहे, पैसे दिए ना तो पढ़ सही से, तो नहीं दिया पढ़ने आया ना तो पढ़ ले भाई। सर क्या AR माइनस अलाउंस करते हैं हम लोग? सर अब जरा पढ़ते हैं, एट 30 जून 2016 कंपनीज अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स अमाउंटेड टू ₹25,000। क्या मैं ये बोल दूं ओपनिंग अलाउंस चाहिए, विच वॉज 2% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स एट डेट डेट। मुझे क्लोजिंग चाहिए, ओपनिंग चाहिए? सर क्लोजिंग चाहिए। सर इसने 30 जून 2017 का पूछा है ना, तो इसका मतलब मुझे क्लोजिंग चाहिए, AR भी उसी डेट के चाहिए। एट 30 जून 2017 ट्रेड रिसीवेबल्स अमाउंटेड टू 3,10,000, इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ ₹30,000 ऑफ डेट्स एज इन रिकवरेबल। बताओ 3,10,000 एडजस्टेड या अनएडजस्टेड? एडजस्टेड कितने हो जाएंगे, 3,10 में 30,000 माइनस करोगे तो हो गए 2,80,000। अलाउंस की परसेंटेज कितनी है, क्लोजिंग एआर मल्टीप्लाइड बाय रेट, 2,80 माइनस 2% कितना आंसर आया? कोई मसला, 18 करो। ऑनलाइन में जवाब दे दो प्लीज यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से जवाब दे दें। क्या ये मेरा ओपनिंग अलाउंस है? एट 30 जून 2018 ट्रेड रिसीवेबल्स अमाउंटेड टू ₹650,000, इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 95,000। बताओ अब ये एडजस्टेड है या अनएडजस्टेड है, तो एडजस्टेड कितना हो गया मेरा, 555,000 ऐसा ही होगा। अलाउंस कितना है मेरे पास क्लोजिंग, डन। वो तो ओपनिंग और क्लोजिंग को एडजस्ट करेंगे तो क्या मेरा इंक्रीज या डिक्रीज आएगा, इंक्रीज या डिक्रीज एक्सपेंस या इनकम होती है, तो वो कहाँ जाती है, ये कहाँ का पूछ रहे हैं। SOFP में चीजें एज एड जाती है, वहां फॉरवर्ड जाती है, सही क्लियर है। सर 19 करें प्लीज।
क्या ये एक्सपेंस पूछ रहे हैं सर? ये शॉर्टकट आसान है या वो बड़ा पी अकाउंट वाला? एट 1 जनवरी 2018 द बैलेंस इन अलाउंस फॉर रिसीवेबल शोड ₹38,000। सर ये ओपनिंग अलाउंस है क्लोजिंग अलाउंस है ये? एट द एंड ऑफ द ईयर इट इज डिसाइडेड टू राइट ऑफ ₹16,000 कर दिया एंड टू एडजस्ट द अलाउंस फॉर रिसीवेबल टू ₹35,000। ये क्या चीज है मेरा? डन 20 करो। अब क्या पूछ रही है? इनकम हो जाती है। क्या बैलेंस एसओएफपी पूछ रही है? एआर माइनस अलाउंस, जल्दी करो। टू सर किस तरह होता है एआर लेस अलाउंस? यही होता आफ्टर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स राशिद हैज आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स ऑफ 238,750। ही आइडेंटिफाइज टू स्पेसिफिक अमाउंट फॉर विच ही विशेस टू मेक एन अलाउंस। अब बताओ क्या ये 238,750 एडजस्टेड है या अनएडजस्टेड है? एडजस्टेड है। क्या इनकी एडजस्टमेंट होनी है? नहीं सर, इन पे खास शक करना है, इनको खास नजर से देखना है। इसका मतलब क्या कोई एडजस्टमेंट है या अलाउंस में जाके एडजस्ट करना है इनको? इसका मतलब ए आर मेरे कितने हैं? 238,750। ऐसा ही है। अब सर जब 238,750 मेरा ए आर है तो अलाउंस किस तरह निकलता है? क्लोजिंग ए आर इज 238,750 माइनस स्पेसिफिक ए आर कितने हैं? 450 प्लस 1200 है 1650। मैंने कर दिया माइनस 1650। जनरल कितने आ गए? जनरल कितने आ गए? 237,100। इस पे कितना परसेंट? क्या आंसर आएगा? 11,855। इसमें क्या मुझे स्पेसिफिक अलाउंस प्लस करना है? स्पेसिफिक अलाउंस की कोई परसेंटेज गिवन है सवाल में? क्या स्पेसिफिक अलाउंस की कोई परसेंटेज गिवन है? अगर स्पेसिफिक कस्टमर की कोई परसेंटेज नहीं गिवन तो ऑलवेज कंसिडर 100%। तो कितना हुआ मेरा पास? 1650 मल्टीप्लाई बाय 100% इज 1650। क्या आंसर हुआ? डन 21 करो। ऑप्शंस बता। क्या आंसर है? 22।
22, 23, 20, अभी कोई मसला? वहां शक नहीं था, वहां कुछ और सवाल था वो। वो आखिरी सवाल था मेरे ख्याल से ना। हाँ नहीं तो वो शक था ही ना, बोला ऐसा डेट जिसमें तुम्हें कोई शक नहीं है, वो कौन सा डेट होता है? गुड डेट। ये वो सवाल था। ये डेट का मतलब, डेट का नहीं, डेट का मतलब क्या होता है? नहीं ना, अलाउंस का मतलब शक, डेट का मतलब रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स का एक और नाम है सुनने में अकाउंट डेट। डेट का मतलब ये होता है मुझे मार्केट से कितने पैसे लेने हैं। क्रेडिट सेल करूंगा तो उधार तो होगा ना मार्केट में। अब उधार की बहुत सारी किस्में, गुड डेट, बैड डेट, डाउटफुल डेट। सही है। 24 करो, कल कितने मार्क्स है? वहां पे सोचो क्या आंसर है। ए तो बाबू इन एनी केस नहीं हो सकता, राइट ऑफ में तो रिसीवेबल क्रेडिट होना ही होना है, तो आंसर वुड बी बी या सी। सर राइट ऑफ कौन सा कर रहा हूं, डाउटफुल या बैड? डाउटफुल मतलब पहले शक किया होगा, तो क्या राइट ऑफ अगेंस्ट प्रोविजन हुआ या डायरेक्ट राइट ऑफ हुआ? तो क्या एंट्री होती है, अलाउंस डेबिट या क्रेडिट? लेकिन एग्जामिनर ने इसको यहाँ पे बैड डेट एक्सपेंस डेबिट या क्रेडिट किया। एग्जामिनर बोलता है भाई तुम जो भी राइट ऑफ करो, मेरी नजर में दोनों डायरेक्ट राइट ऑफ ही हैं। तो अगर एग्जाम में तुम्हारे पास सवाल है तो डायरेक्ट एंट्री करना बेटर है, क्योंकि याद होगा जब मैं नॉर्मल रूटीन क्लास में पढ़ा था, मैंने कहा चाहे तुम राइट ऑफ अगेंस्ट प्रोविजन ट्रीट करो या डायरेक्ट राइट ऑफ ट्रीट करो, आंसर विल रिमेन सेम, कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर। तो जब भी तुमसे राइट ऑफ की एंट्री पूछे, डायरेक्ट ये करना बेटर एक्सपेंस डेबिट या क्रेडिट। बस कॉन्सेप्चुअली बात अलग है, लेकिन एग्जामिनर सारे राइट ऑफ को डायरेक्ट राइट ऑफ ट्रीट कर रहा होता है। डन, वरना कॉन्सेप्चुअली इसका आंसर ये है। 25 करो, टाइम हो गया क्या? आज इधर रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह। ये सवाल सारे सवाल खत्म करेंगे और फिर स्टडी टेक्स्ट पूरी कवर कर लेंगे, सही, ताकि बेटर टेंड हो जाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।